ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शब्दों में जान होती है, कहा जाता है शब्दों में जान होती है और शब्द जिंदा होते हैं। इसी तरीके से आज मैं आपको एज अ बिजनेसमैन या आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो दो ऐसे शब्द देना चाहता हूं जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत ग्रोथ करेंगे। मैं मानता हूं कि शब्दों के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर वो शब्द को सही तरीके से हम अपने जहन में उतार ले तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही दो शब्दों को मैंने मेरी जिंदगी में उतारा है और वही दो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जिसमें से पहला शब्द है पागल। जी हां, पागल। इसको अगर सही तरीके से हम लिखे और देखें तो इसका मतलब होता है पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर। जी हां, पागल। जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी तब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे, तू पागल है, तू कुछ नहीं कर सकता है, कोई एडवाइस देने के पैसे नहीं देता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए शब्द इस्तेमाल किए थे और मुझे पागल कह के पुकारा जाता था। अब पागल की परिभाषा को मैंने अलग तरीके से देखा और उसको मैंने बना दिया पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर। मैंने मेरे एक गुरु से सीखा था इस शब्द का मतलब। और इस शब्द को जब मैं बार बार देखता हूँ, हजार बार देखता हूँ, तब मुझे यही चीज़ याद आती है कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए जब तक पागल नहीं होंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। समझना, जिस दिन से आपको लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया आप ये समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आप अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी हासिल करने वाले हो। लेकिन आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी हद तक आपको जाना पड़ेगा कि लोग आपको पागल बुलाना शुरू कर दें। अगर ये हो सकता है तो आपकी जिंदगी का हर लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है गॉड, GOD। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस या आपके करियर के अंदर आप बहुत आगे बढ़े तो आपको ये शब्द याद रखना है GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान। जी हाँ, भगवान को हम एक अलग तरीके से आज परिभाषित करते हैं। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। मतलब कि अगर आपके बिजनेस में या आपके करियर में आपको आगे बढ़ना है तो आपको जनरेटर बनना पड़ेगा, मतलब कि आपको सृजन करना पड़ेगा, आपको वहां पर ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसका आपको सही तरीके से लालन पालन करना पड़ेगा, और तीसरा आपको डिस्ट्रॉय मतलब उसका विध्वंस भी करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अक्सर कर ब्रह्मा जी होते हैं वो जन्म देते हैं, विष्णु जी होते हैं वो पालनहार हैं, और भगवान शंकर जो हैं वो हैं विध्वंसक। मतलब कि अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करना है तो आपको नई चीजें लानी पड़ेगी, नया क्रिएट करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से आपको उपयोग करना पड़ेगा और आखिर में उसका विध्वंस मतलब उसको तोड़कर फिर से नया आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग एक बार एक आदत को अपना लेते हैं और उसी आदत के सहारे वो चाहते हैं पूरी की पूरी जिंदगी में वो ग्रो कर जाएं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बिजनेस में एक तरीका वो अपना लेते हैं और उसी तरीके से वो चाहते हैं पूरा बिजनेस वो मेंटेन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हमेशा समय समय पर आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बिजनेसमैन को देखता हूं कि उन्होंने शुरुआत में अपने बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को लेकर आए जो उनके जान पहचान वाले लोग थे, लेकिन जब बिजनेस थोड़ा सा ग्रो होने लगता है तब वो प्रोफेशनल को नहीं लेकर आते हैं और वो सोचते हैं वही शुरू के जो लोग हैं वही लोग मेरे बिजनेस को करोड़ों का बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को आपको निकालना पड़े, मतलब आपने जो बनाया था उसको तोड़ना पड़ेगा और आपको ऐसे लोगों को फिर से लेकर आना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका बिजनेस या आपका करियर आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा सक्सेस आपको देगा। तो ये दो शब्द मैंने आपको बताया जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें पहला मैंने बताया पागल, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर, और दूसरा मैंने बताया गॉड,
गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये दो शब्दों को आप अपनी जिंदगी में उतार लीजिए और आपकी जिंदगी का हर नैया पार हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।